एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और जानू इन जानू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और अभी देखिए हो गया मॉर्निंग का टाइम, अभी जस्ट हम लोग सो उठे हैं। देखिए मुंह कान कैसा लग रहा है। अभी मैं जस्ट जाऊंगी ब्रश व्रश करने के लिए और सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि बिहू को स्कूल जाने का टाइम हो गया, उसका टेस्ट चल रहा है। तो मैं अभी झाड़ू लगा लूँगी, फिर ब्रश व्रश करके फ्रेश हो जाऊँगी, फिर बिहू के लिए नाश्ता बनाऊँगी, पीहू को नाश्ता कराऊंगी, फिर मैं नाश्ता करूंगी, फिर पीहू जाएगी स्कूल। अभी मेरा 4 मंथ हो रहा है तो 4 मंथ का रूटीन शेयर करूंगी आज आप लोगों के साथ पूरा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा मैसी मैसी से पड़ा ही अंदर रूम का नज़ारा है, कुछ इस तरह से है आज अंदर रूम। उसको मेरे को पूरा क्लीन करना है, अभी नहीं करूँगी बट बाद में करूँगी। ये देखिए अभी ये यहाँ चेयर में कपड़ा पड़ा है और इधर पूरा अभी झाड़ू वाड़ू करना है मेरे को। तो दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरह से पड़ा झाड़ू ला के रखी हूँ, अभी लगाना है मेरे को, लगाई नहीं हूँ। तो इस तरह से है और ये सोफ़ा का हाल भी कुछ इस तरह से है। तो अभी मैं इसको सेट करूँगी सबको। और यहाँ पे भी पढ़ाई कर रही है बिहू। हेलो, क्या करे बेटा? पढ़ाई, एग्ज़ाम आज से शुरू है। अच्छा, टेस्ट एग्ज़ाम है ना? अच्छा ठीक ठीक करो। तो यहाँ पे भी वो पढ़ाई कर रही है और यहाँ पे पूरा बेड को ठीक करी हूँ अभी मैं, और उसके बाद सोफा ऊपर ठीक करना बाकी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी बाहर भी कुछ इस तरह से है, अभी पूरा फैला पड़ा है। और अभी मैं फटाफट कर लेती हूँ अपना काम, किचन का काम भी पूरा पड़ा है। बट आज मैं क्लीन करके सोई थी बर्तन नाइट में, तो मेरे को बर्तन क्लीन नहीं करना पड़ेगा। बस एक है वो बिरयानी का, नाइट में बिरयानी बना था तो वो नहीं कर पाई थी उसको, तो उसी को करूँगी अभी। ये देखिए हस्बैंड ने के लिए चना भी गाई थी तो वो लेट हो गया तो नहीं खा पाए, तो उसको अभी मैं बनाऊँगी। तो अभी किचन कुछ इस तरह से है मेरा। अभी वो खांस रही है और थोड़ा सा उसको वो सर्दी है ना, तो इसी वजह से। और अब मैं कर रही हूँ अभी झाड़ू। फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ घर का साफ़ सफाई। तो पहले मैं सोफ़ा को जो है झाड़ दूँगी अच्छे से, निकाल के उसको अच्छे से लगाऊँगी झाड़ के। तो यहाँ पे देखिए लगी हुई सोफ़ा को झाड़ने में, और पीहू कुछ कुछ बात कर रही थी मेरे से, तो बस उसी से बात कर रही थी, मतलब वो पढ़ रही थी तो कुछ उसको पता नहीं था तो मेरे को पूछ रही थी, तो बस उसी को बताते बताते मैं अपना काम कर रही हूँ। और प्रेगनेंसी टाइम में बहुत तकलीफ होता है ऐसे झुक झुक के काम करने में, बट क्या करोगे, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं कर लूँगी थोड़ा क्लीन। और 4 मंथ चल रहा है मेरा तो उतना दिक्कत नहीं हो रहा है, बट 5 में और बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखिए अभी मैं लेट से डाल रही हूँ वीडियो, पहले से रखा था तो मैं सोची अब डाल देती हूँ ऐसे करके। तो ये देखिए मैं कर रही हूँ क्लीनिंग अपना सोफ़ा का, पूरा क्लीन कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं नाश्ता वास्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए कर रही हूँ, और हेल्थ भी थोड़ा बढ़ गया पहले से प्रेगनेंसी की वजह से, तो चलने में दिक्कत होता है। और जितना भी कपड़ा है, नाइटी वगैरह है, सब सूट वगैरह सब टाइट हो रहा है, अब लगता नहीं है सब। तो जो भी पुराना नाइटी है अभी उसी को यूज कर रही हूँ, फिर न्यू लेना है मेरे को फिर से, क्योंकि अभी एक आध मन चल जाएगा फिर तब तक चला लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं न्यू नाइटी लूँगी। तो ये देखिए मेरा सोफ़ा हो गया डन और हो गया पूरा क्लीनिंग। और उसके बाद फिर मैं पीहू को बोल रही थी बेटा जल्दी जल्दी पढ़ो करके, क्योंकि उसको नहाने भी जाना है, टाइम हो रहा था नहाने जाने के लिए। तो और यहाँ पे मेरा लग रहा है झाड़ू, मैं फटाफट से झाड़ू कर लूँगी पहले। तो पीहू देखिए थक गई थी तो थोड़ा लेटी थी वो पढ़ के, उसके बाद मैं अभी मेरा झाड़ू लग गया पूरा, बस वहाँ पे कचरा उठा लूँगी मैं। तो ये देखिए लग गया है झाड़ू मेरा, तो बस पीहू को देख रही थी बेटा पढ़ो ऐसे करके बोल रही थी उसको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा समय थक जाती है वो पढ़ते पढ़ते, तो उसको बोल रही थी बार बार पढ़ो पढ़ो करके बार बार बोलना पड़ता है उसको, तो बस वही बोल रही थी। अभी एग्ज़ाम है इसलिए ज़्यादा प्रेशर है, बट ऐसे तो मैं उतना बोलती नहीं हूँ उसको, और वो खुद से कर लेती है बोलने से। तो ये देखिए डस्टबिन के लिए आई हूँ मैं और कचरा उठा लेती हूँ,
उसके बाद पोछा बाद में करूँगी जब बिहू को छोड़ के आ जाऊँगी तब, और उसके बाद नहाना धोना भी बाद में करूँगी। और यहाँ पे देखिए चीला बनाने के लिए बेटर को घोल रही हूँ मैं। बेटर घोलने वाली थी तब देखी कि नमक ख़त्म हो गया, तो बस पहले मैं नमक डाल दूँगी डिब्बे में, फिर उसके बाद वो करूँगी। यहाँ पे देखिए तवा गर्म होने टाइम लगता है, थोड़ा मोटा है तवा, न्यू वाला है, तो इस वजह से पहले तवा को चढ़ा लूँगी, उसके बाद बेटर को घोलूँगी मैं चीला के लिए। तो यहाँ पे देखिए डब्बा खाली था पूरा, अब मैं नमक डालूँगी उसमें, फिर उसके बाद मैं बेटर को घोलूँगी। फिल्टर में पानी भी ख़त्म हो गया था, तो वो मेरा मॉर्निंग का काम है, तो नाइट में मैं करके नहीं सोती हूँ, क्योंकि सुबह फिर से पानी को फेंक के बिछाया नहीं, पानी भर दूँ, तो बस अभी नया पानी भर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए अब मैं बेटर को घोल लेती हूँ जल्दी से, चीला बनना स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरा चीला बन गया, अब इसको मेरे को पलटना है, थोड़ा सा और सीखेगा फिर उसके बाद में पलटूंगी। तो कुछ इस तरह से बना रही हूँ मैं चीला, ये देखिए उसका बेटर, और अभी थोड़ा सा और पका रही हूँ उसके बाद। तो यहाँ पे मेरा चीला हो गया डन, अभी मेरे को पलट दीजिए, आज थोड़ा मेरा चीला जो है पक गया, क्या करें जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे आ गया था दूध वाला, फिर यहाँ पे आ गया था दूध वाला, तो मैं दूध ले रही हूँ, मेरा दूध आप लोगों का दूध आ गया, तो अब मैं इसको थोड़ा देर में गर्म करूँगी, अभी नहीं करूँगी क्योंकि लोगों को मेरे को स्कूल छोड़ जाना है। नहा लिए मजा आया नहा के, अभी इधर नहा ली है, अब रेडी होगी। मैं पीहू के लिए चटनी पीस रही हूँ, तो इसमें क्या क्या डाली हूँ, टमाटर मिर्ची और धनिया सब कम कम डाली हूँ, क्योंकि पीहू को खाना है, तो इस वजह से उसके टिफ़िन में भी डालना है। तो ये है चटनी, चीला और चटनी। तो यहाँ पे देखिए पीहू को मैं कर रही हूँ रेडी, क्योंकि नहा के आ चुकी थी, तो नहाने के बाद उसको बॉडी लोशन वगैरह लगा रही थी, लेगिंग्स पहन रही थी, फिर यूनिफॉर्म, अभी ठंडी का वगैरह टाइम है तो कुछ ज़्यादा पहनना पड़ता है, लेगिंग्स वगैरह नहीं पहनती, शॉर्ट्स पहनती वैसे तो, बट अभी ठंडी का मौसम है ना, तो लेगिंग्स पहनती है और ऊपर में स्वेटर पहनती है, तो बस बॉडी लोशन लगा देती हूँ पहले मैं पीहू को। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पीहू को बॉडी लोशन, और वो खुद से यूनिफॉर्म वगैरह पहन लेती है बट बॉडी लोशन वगैरह नहीं लगा पाती, तो मैं लगाती हूँ, वो भी अभी अभी सीखी है नहाने खुद से, वो अच्छे से तो नहीं नहा पाती, बट कभी मैं बिजी रहती हूँ तो मैं बोलना पड़ता है कि नहा लो आज, तो नहा लेती है वो खुद से। तो यहाँ पे मैं उसके फेस पे लगा रही हूँ बोरो प्लस, क्योंकि विंटर सीजन है ना, तो थोड़ा सा मुँह ना वो हो जाता है, टाइट हो जाता है, सॉफ्ट रहता है अगर बोरो प्लस लगाओगे तो। यहाँ पे बस लगा रही हूँ, उसके बाद उसके बाल में लगा दूँगी ऑयल, क्योंकि उसका बाल कल एक दिन पहले ही धुला था मतलब, तो बस ऑयल लगा दूँगी उसमें। यहाँ पे मेरा दोपहर का खाना, खाना में देखिए क्या बनाई थी, गोभी आलू पालक मिक्स वेज और दाल पालक बना था, और उसके बाद गोभी आलू मटर अलग से बना था, उसके बाद राइस। और ये देखिए शाम का टाइम हो गया है, और शाम को मैं नाश्ता कर रही थी हल्का फुल्का, तो ऑरेंज छील रही हूँ और एप्पल काटूँगी, फिर पीहू और मैं हम लोग दोनों खा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं छील रही हूँ ऑरेंज को, और यहाँ पे फिर मैं कट कर लूँगी, ये रहा एप्पल और ऑरेंज, इतना सारा कचौड़ा निकलता है बाप रे, देखिए तो यहाँ पे उसके पापा और उसको क्या क्या बात चल रही है, पता नहीं, क्योंकि उसके पापा अपने घर में रहते हैं, अभी मस्ती कर रही है यहाँ। फिर हस्बैंड जी चना बना रहे थे, तो देखिए चना बन गया, और ये रात का फिर खाना, खाना में है सब्जी में है सेम की सब्जी, गोभी मिक्स, पापड़ और प्याज और अचार और मूली।